प्रणाम आर्यन बाबू इंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। और आप देख सकते हैं कि आजमगढ़ में आर्यन बाबू पहुंच चुके हैं और काफ़ी अच्छा लगाव है दिनेश सर के साथ और अम्रपाली मैम के साथ आर्यन बाबू का। सबसे पहले आर्यन बाबू, आप पहुंचे हैं किस मकसद से आजमगढ़ में? यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आपके जाने वाले, क्या मकसद है आपका यहाँ पे आने का? सबसे पहले जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आर्यन बाबू लिटलेक्टर आप सभी को पांच होकर प्रणाम करता हूँ। और आज मैं आजमगढ़ में आया हूँ और दिनेश सर हमारे जो भी चुनाव लड़ रहे हैं आजमगढ़ से, तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी अपना बहुमूल्य वोट दीजिए और उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए और अपना प्यार दुलार दीजिए उनको। और मैं आज अम्रपाली मैम से मिला फिर से और मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी वही जो चुनाव वाला अभी दिनेश सर को जो आपने सुनाया कि भैया कमल का बटन दबाना है, निरहुआ जी को जिताना है, सीधे कमल का बटन दबाना है, क्या अभिनेता से नेता बनाना है, सीधे कमल का बटन दबाना है। मैम, आर्यन बाबू इंटरटेनमेंट चैनल के माध्यम से आज बीजेपी तो ऑलरेडी पूरे हिंदुस्तान में एक अलग परचम लहरा रही है और दोबारा हमारे जुबली स्टार, चूँकि जैसा कि आर्यन बाबू ने कहा और पूरी दुनिया आज कह रही है कि अभिनेता से नेता की तरफ अग्रसर है हमारे जुबली स्टार दिनेश जी, तो आज चुनाव प्रचार में पूरी इंडस्ट्री नहीं, पूरी बीजेपी के हर लोग उतरे हुए हैं कि किसी भी हाल में इस सीट को जीत लेना है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? यही कहना चाहूँगी कि हर किसी के माइंडसेट में सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ का विकास है और हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और कोशिश करना हमारा काम है। बाकी ईश्वर तुल्य जनता अपना वोट दे, अपना प्यार आशीर्वाद दे, जैसे सिनेमा में हमको प्यार आशीर्वाद देती है वैसे यहाँ पे भी अपना प्यार और आशीर्वाद दे ताकि दिनेश जी को मौका मिल सके कि वो आजमगढ़ की जनता। मैम, छोटी में बड़ी बात, अक्सर फिल्म में भी एक बार देखा गया था कि जुबली स्टार काफ़ी ऊपर जाके नीचे आते, जब पुनः आपका साथ मिला तो बहुत बड़े लेवल पर गए थे और फिर उस चुनाव में भी लोगों का ये कहना है कि पहला बार भले कुछ भी हुआ लेकिन दूसरी बार इस बार जीत हासिल करके दिखाएंगे दिनेश जी, चूँकि अम्रपाली जी और उनके साथ साथ पूरी इंडस्ट्री का साथ मिला इस बार हर बड़े स्टार का, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग हमेशा दिनेश जी के साथ रहेंगे क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिनेश जी कितने अच्छे व्यक्ति हैं। हम सब ने दिनेश जी के साथ काम किया है, हम उनका स्वभाव जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर वो किसी को दुखी देखते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, उसकी मदद करने के लिए चल देते हैं। तो मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि दिनेश जी दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं एक और चीज़ वो जब भी लोगों के लिए काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे। इस वजह से मैं और इंडस्ट्री के सारे लोग उनके साथ हैं क्योंकि हम उनकी अच्छाई के बारे में जानते हैं। एक चीज़ और, इंडस्ट्री में पहले से ऐसे हीरो हैं, मतलब अभिनेता हैं जो अपने पूरे हित नाते रिश्तेदार अगल बगल गाँव वाले सभी को किसी ना किसी, या किसी को एक्टर बनाया है, किसी को प्रोड्यूसर लाइन में घुसा है, किसी को एक्टिंग लाइन में, मतलब किसी हर लोगों की एक मदद करते हैं, तो क्या ये माना जा सकता है कि इस चुनावी मुद्दे पर भी चुनाव में हर लोगों की भी मदद करेंगे दिनेश जी? मतलब इस बात से पता चलता है कि दिनेश जी देश में भाजपा सरकार आने से पहले से सबका साथ सबका विकास में बिलीव करते थे और वो उन्होंने अपने घर परिवार में अपने खानदान में, जहाँ पे लोग, हमने कई बार देखा होगा कि लोग नहीं चाहते हैं कि मतलब पटीदार लोग कुछ कर ले लाइफ में अच्छा, और ये अपने घर के सब बच्चों को लेके आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक इसी नेचर से पता चल जाना चाहिए कि आदमी कितना सामने वाले का सोच सकता है और यही उनकी अच्छाई है जिसके हम सब सारे एक्टर उनके साथ। अंतिम में एक लास्ट छोटा सवाल मैम, कि आर्यन बाबू जैसा छोटा बच्चा दिनेश सर से इतना प्यार करता है कि बिहार से चल के उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की धरती पर आया है, तो इस छोटे से बाबू के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो मैं यही बोलूंगी, ये बोलता है कि अपना प्यार दुलार दीजिए, सबको बोल रहा है कि उनको अपना प्यार दुलार, सारा प्यार दुलार तो यही लेके चला जाता है, सब लोग इसी को प्यार दुलार दे देते हैं, हम लोग ये बचता ही नहीं है। नहीं, पर आर्यन बहुत अच्छा, बहुत टैलेंटेड, अपनी उम्र के लिए इतना टैलेंटेड बच्चा है। मैं माता रानी से हमेशा यही कामना करती हूँ, माँ सरस्वती से, कि उनका हाथ इस पे बना रहे और ये बहुत नाम कमाए। मैम, आपको बता दूँ कि ये दोनों आरती न्यूज़ गंगा न्यूज़ वाले भैया लोग को 2 बजे रात को ये पटना से लेके निकला है, 11 बजे शूटिंग कम्प्लीट हुआ और बोला कि दिनेश सर के घर पे चलना है। अरे वाह, 2 बजे रात को पटना से, सुबह 7 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो सबका प्यार दुलार ले लेता है ये लड़का। चलिए, मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद, जीत के बाद। जी हाँ। जीत के बाद।